बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबरें नोटिफिकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन और खबरों के लिए। पहली बड़ी खबर की तरफ चलें तो खबर है जी बजट की तैयारी के बारे में। महकमा खजाना का अमला 7 और 8 मई को तलब कर लिया गया। हुकूमत ने नए माली साल बजट की तैयारियां शुरू कर दी। तमाम अमले को हदायत जारी कर दी गई। इसमें एडिशनल सेक्रेटरीज और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बजट ऑफिसर्स और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जितने भी हैं बजट के हवाले से तमाम को पाबंद किया गया। ईद के फौरन बाद 7 और 8 को, बल्कि हफ्ता और इतवार को भी सरकारी तातीलात के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहेंगे। अगले साल माली बजट 2022-23 के हवाले से सालाना बजट की तैयारी करेंगे। बजट जो है वो हफ्ते पहले हफ्ते मई के जून के पहले हफ्ते पेश होने जा रहा है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ी अपडेट्स आएंगी। इसमें जिसमें स्केल वाइज पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट भी इसी महीने में जारी होने वाली है और नई हुकूमत देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को कितना रिलीफ देती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलें तो ईद की छुट्टी में मूसलाधार बारिशों की पेशनगोई जारी कर दी गई। एक बड़ी अलर्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान के हवाले से बारिशें गरज चमक के साथ आंधी और बारिशों की पेशनगोई की है। लगता है कि 1 मई से लेकर 5 मई तक पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मौसम बेहतरीन रहेगा। और अगर हम बात करते हैं 1 मई की तो 1 मई के मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा और 5 मई तक जारी रहेगा। 1 मई से लेकर 3 मई तक जो पेशनगोई की गई है जिसमें ज़्यादातर इलाके हैं कोयटा, चमन, अब्दुल्ला और इसके बाद कलात, इसके अलावा जैकबाद और डी जी खान, लैया, बहावलपुर और भखर, साहिवाल, उकाड़ा और इस तरह के जिसने जनूबी पंजाब से लेकर कराची तक बलूचिस्तान के जितने इलाके हैं 1 मई से लेकर 3 तक वहाँ पे बारिशों का सिलसिला होगा। 1 मई से लेकर 2 तक हैदराबाद और इसके अलावा कराची और मेठठा बदीन में ठंडी हवाएं चलेंगी। 2 से लेकर 4 तक डेरा इस्माइल खान और सरगोदा, चकवाल, झेलम, इस तरह अपर पंजाब, इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में 1 मई से लेकर 5 मई तक मौसम की सूरत हाल आप देख सकते हैं। बेहतरीन मौसम रहेगा, बारिशें होंगी और गरज चमक आंधी के साथ तूफानी बारिशें हो सकती हैं। कोयटा हुकूमत की तरफ से सालाना 4 अरब से ज्यादा अजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजीर अला ने सूबाई मुलाजमीन के लिए 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान कर दिया। 15% जी 1 मार्च के हवाले से बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से जो वफाकी गवर्नमेंट दे रही है, तो इस हवाले से भी बड़ी खबर है। इसके अलावा नादरा ने भी अपनी टाइमिंग जो है वो जारी कर दी, उसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं पूरे हफ्ते का। आज की ये बड़े नोटिफिकेशन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।